आप देख रहे हैं दखल न्यूज। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी को अधिक ताकत देने वाला संशोधन बिल पेश, ओवैसी को गृह मंत्री अमित शाह ने लगाई फटकार। काउंटडाउन के बाद रोका गया चंद्रयान, तकनीकी खराबी के कारण रोकी गई चंद्रयान की लॉन्चिंग। अहमदाबाद के एडवेंचर पार्क में एक बड़ा हादसा, 3 लोगों की गई जान, कई लोग हुए घायल। एमपी सहित राज्यों में बढ़ रहे गेहूं के दाम, बढ़ेगी सरकार की मुसीबत। और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का आरोप, किसान और आदिवासी की विरोधी है कमलनाथ सरकार। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी को अधिक ताकत देने वाला संशोधन बिल पेश हुआ और चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी के सांसद सत्यपाल सिंह संसद में बोल रहे थे, तभी बवाल हो गया। उनके भाषण के दौरान AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बीच में खड़े हुए और विरोध करने लगे, मगर यह सब बढ़ता देख गृह मंत्री अमित शाह खामोश नहीं रहे। खड़े हुए और ओवैसी से कहा कि आपको सुनना ही पड़ेगा। लोकसभा में NIA संशोधित बिल पर जब सोमवार को संसद में चर्चा शुरू हुई, तो चर्चा के दौरान मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर और बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह ने कहा कि आतंकवाद इसलिए फल फूल रहा है क्योंकि हम उसे राजनीतिक चश्मे से देखते हैं, जबकि हमें उससे मिलकर लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुंबई ने आतंकवाद को खूब झेला है क्योंकि वहां भी इसे राजनीतिक आईने में देखा गया। बीजेपी सांसद ने कहा कि हैदराबाद धमाकों में जब पुलिस ने कुछ अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले संदिग्धों को पकड़ा, तो सीधे मुख्यमंत्री ने कमिश्नर से कहा कि ऐसा मत कीजिए वरना आपकी नौकरी चली जाएगी। बीजेपी सांसद के इस बयान पर हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आपत्ति जताई। अभी ओवैसी ने बोलना ही शुरू किया था कि गृह मंत्री अमित शाह खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि ओवैसी साहब सुनने की भी ताकत रखिए, जब ए राजा बोल रहे थे तब आप क्यों नहीं खड़े हुए, ऐसे नहीं चलेगा, सुनना भी पड़ेगा। इसके बाद सदन में हंगामा होना शुरू हो गया। बाद में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दोनों सदस्य जब बोल रहे हैं तो किसी को बीच में नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि ए राजा और सत्यपाल सिंह के अलग अलग बिंदु हैं और मैं किसी को डरा नहीं रहा हूं, यह बात आपके जहन में है तो क्या किया जा सकता है। जब राजा साहब बोल रहे थे क्यों खड़े नहीं हुए, उन्होंने काफी इतनी सारी बातें की और रूल्स के हिसाब से नहीं, हम आराम से सुनते रहे, सुनने की भी आदत डाली ओवैसी साहब, इस तरह से नहीं चलेगा, सुनना पड़ेगा। पूरा देश चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग का इंतजार कर रहा था, मगर तकनीकी खराबी के कारण लॉन्चिंग नहीं हो पाई। श्रीहरिकोटा से सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग रविवार देर रात अचानक तकनीकी खराबी की वजह से रोक दी गई। हालांकि DRDO और IDSA के अधिकारियों ने इस घटना को सामान्य करार दिया है। पूर्व अधिकारियों ने भी कहा कि तकनीकी खराबी से लॉन्चिंग न होना सामान्य घटना है। हालांकि चंद्रयान 2 का काउंटडाउन शुरू हो गया था, इंजन में लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन भी भर दिया गया था। चंद्रयान 2 के लॉन्च की अगली तारीख की घोषणा अभी नहीं हुई है। देश के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग वैज्ञानिकों द्वारा अंतिम समय में स्थगित किए जाने से कई लोगों को निराशा हुई। हालांकि DRDO और IDSA के अधिकारियों ने इस घटना को सामान्य करार दिया है। DRDO के पब्लिक इंटरफेस के पूर्व डायरेक्टर रवि गुप्ता का कहना है कि चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग को स्थगित करना सही निर्णय था, इतने बड़े मिशन के दौरान हम किसी भी तरह का चांस नहीं ले सकते हैं। हर हिस्से की कई राउंड्स में टेस्टिंग की गई थी, हर मूवमेंट को हर सेकंड में मॉनिटर करना होता है। A technical snag was observed in launch vehicle system at T-2 as a measure of abundant precaution, Chandrayaan 2 launch has been called off for today. Revised launch date will be announced later. Thank you very much. This is an announcement from ISRO which I have read.
इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के पूर्व डायरेक्टर जी बालचंद्रन ने कहा कि ये सामान्य है, अगर कोई तकनीकी दिक्कत है तो आप इसे ऐसे ही नहीं भेज सकते। इस मिशन की लागत 100 करोड़ से ज्यादा की है। तकनीकी समस्या छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन इसका अध्ययन करना बेहद जरूरी है। बता दें कि हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से यान की लॉन्चिंग तय समय रात 2:51 पर होनी थी, लेकिन लॉन्च के व्हीकल सिस्टम में तकनीकी खामी देखी गई, जिसके चलते फिलहाल लॉन्चिंग को स्थगित कर दिया गया है। गुजरात के अहमदाबाद में कांकरिया एडवेंचर पार्क में एक बड़ा हादसा हुआ है। हादसा इतना जबरदस्त था कि इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हुए हैं। फायर ब्रिगेड की टीम ने घटना स्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। अहमदाबाद के कांकरिया एडवेंचर पार्क में यह हादसा राइड झूला टूटने के कारण हुआ। डिस्कवरी राइड झूले में 31 लोग सवार थे। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई, वहीं 28 घायल हैं। बताया जा रहा है कि रविवार छुट्टी के दिन होने के कारण एडवेंचर पार्क में लोगों की आम दिनों से ज्यादा भीड़ थी। दरअसल स्कूलों की छुट्टी होने की वजह से ज्यादातर लोग घूमने के लिए आए थे। फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस के घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की मंडियों में गेहूं की आपूर्ति घटने के बीच मांग बढ़ने से गेहूं के दाम बढ़ रहे हैं। दक्षिण के राज्यों के साथ ही बिहार, बंगाल और उड़ीसा में गेहूं का स्टॉक घटा है, जबकि इसकी सरकारी खरीदी बंद हो चुकी है। सरकार ने शुल्क बढ़ाकर गेहूं के आयात का रास्ता एक हद तक बंद कर दिया है, जिससे आम लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। गेहूं के बढ़ते दाम अब लोगों की मुसीबत बढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की मंडियों में गेहूं की आपूर्ति घटने के बीच मांग बढ़ने से गेहूं के दाम बढ़ रहे हैं। बाजार बिक्री योजना के तहत जुलाई सितंबर तिमाही के लिए सरकारी गेहूं का न्यूनतम बिक्री मूल्य बढ़कर 2,135 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। अप्रैल जून तिमाही के यह भाव 2,080 रुपए प्रति क्विंटल था, यानी नया भाव 55 रुपए ज्यादा है। यह दाम अब अगली फसल आने तक बाजार में लगातार बढ़ेंगे। अक्टूबर दिसंबर 2019 और जनवरी मार्च 2020 के दौरान भी इस बिक्री मूल्य में 55 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा होगा। यह भाव मंडियों में 1900 रुपए की औसत कीमत से काफी अधिक होने के कारण मंडियों में मांग का दबाव बढ़ता जा रहा है। बंगाल और उड़ीसा के साथ साथ महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु में भी गेहूं की मांग बढ़ती जा रही। आटा मैदा मिलें फिलहाल सरकारी गेहूं खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, जिसके कारण भी खुले बाजार में गेहूं महंगा हो रहा है। गेहूं की सरकारी खरीद में 16 लाख टन की कमी आई है और घरेलू उत्पादन 975 लाख टन से ज्यादा नहीं हुआ है। दक्षिण की मांग की बड़ी वजह सरकारी गेहूं की ऊंची कीमत है। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने प्रदेश की कमलनाथ सरकार को आदिवासियों व किसानों का विरोधी बताया है। उन्होंने किसानों को प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा दिए गए ऋण माफी प्रमाण पत्रों को फर्जी करार दिया है और कहा है कि सरकार ने किसानों के साथ छलावा किया है। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भाजपा द्वारा घनौरा व पिपरिया में चलाए जा रहे महासदस्यता अभियान में शामिल होने के बाद सिवनी पहुंचे थे। यहां उन्होंने भाजपा पदाधिकारियों, किसानों व लोगों से मुलाकात की। इस दौरान सिवनी तहसील में वर्ष 2018 में ओलावृष्टि के प्रभावित किसानों ने फसल बीमा की राशि दिलाए जाने व शिकार में रामटेक तक नई रेलवे लाइन बिछाने स्थानीय लोगों ने केंद्रीय राज्य मंत्री को ज्ञापन सौंपा। कुलस्ते ने क्षेत्र की दोनों मांगों पर जल्द ही कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को दिए गए ऋण माफी प्रमाण पत्रों को फर्जी बताते हुए कहा कि किसान परेशान हैं। किसानों को सहायता मिलनी चाहिए। यदि किसानों को सहायता राशि नहीं दी गई तो प्रदेश में भाजपा आंदोलन करेगी। वन अमले द्वारा अतिक्रमण हटाने के दौरान पत्थरबाजी के विरोध में गोली चलाने से आदिवासियों के घायल होने की घटना की निंदा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने इसके लिए कमलनाथ सरकार को जिम्मेदार बताया और कहा यह सरकार आदिवासियों की विरोधी है। बेबी के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में 32 दिन में कोर्ट से आरोपी को फांसी की सजा मिलने के बाद जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने पुलिस वालों की मेहनत और आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने और फांसी के फंदे तक पहुंचाने पर पुलिस कंट्रोल रूम में 42,000 रुपए का चेक देकर पुलिस को सम्मानित किया और टीम की सराहना भी की।
भोपाल में दुष्कर्म का शिकार हुई मासूम बच्ची बेबी के आरोपी को कुछ ही दिनों के अंदर फांसी की सजा सुनाए जाने पर जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कमलानगर थाने के पुलिस, साइबर पुलिस, क्राइम ब्रांच समेत कुल 26 अधिकारियों को सम्मानित किया है। जघन्य अपराध के आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने एवं विवेचना संबंधी सभी कार्यवाही कम समय में करने वाली टीम का पुष्प गुच्छ से स्वागत करने के साथ ही 42,000 रुपए का चेक भी इनाम के रूप में दिया है। पीसी शर्मा ने कहा कि आरोपी को फांसी के फंदे तक पहुंचाने का पुलिस ने सराहनीय कार्य किया है। टीम को डीआईजी इरशाद वली द्वारा भी 20,000 रुपए के नगद इनाम से पुरस्कृत किया गया। बच्ची का ये मामला था और उसमें मुख्यमंत्री जी ने उस परिवार की सहायता के लिए भी 4 लाख रुपए गिरफ्तार होना चाहिए और उनका ये मानना था, ये कहा उन्होंने कि 1 महीने के अंदर अपराधी को सजा हो, इसे एक सबक मिले इस तरह के अपराधी को। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lnctu.ac.in. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फिल्मी स्टाइल में एक स्कूली बच्चे ने अपने अपहरण की फर्जी कहानी रची, जिसमें कुछ हद तक यह बच्चा सफल भी हुआ। अपहरण की बात फैलते ही आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया, सब इस कहानी को सच मान बैठे, मगर पुलिस ने इस लड़के की कहानी फ्लॉप कर दी और चंद घंटों में फर्जी कहानी से पर्दा उठा दिया। गाडरवाड़ा थाना क्षेत्र में 8वीं क्लास के एक छात्र ने परीक्षा में कम अंक आने की वजह से घर वालों की डांट से बचने के लिए स्वयं के अपहरण की फर्जी कहानी रच डाली। छात्र ने अपने परिजनों को बताया कि अपहरणकर्ताओं ने बच्चे को अगवा कर बेहोश कर स्कॉर्पियो में बैठा लिया। कार में पहले से ही 2 और बच्चे थे जिनके मुंह पर टेप लगा हुआ था। इस कहानी को सुनकर परिजन तत्काल छात्र को थाने ले आए और पुलिस को जानकारी दी, जिस पर गाडरवारा पुलिस तुरंत हरकत में आई और घटना के संदर्भ में तफ्तीश शुरू कर दी। घंटों की मशक्कत के बाद शहर के सीसीटीवी कैमरे की मदद से बच्चे के द्वारा बताई गई कहानी के सभी पहलुओं पर जांच की, जिससे यह साफ हो गया कि ऐसी कोई घटना हुई नहीं है। छात्र द्वारा बताई कहानी पूरी तरह से गलत निकली और जब पुलिस ने अपने अंदाज में छात्र से कड़ी पूछताछ की तो उसने पूरी कहानी का सच उगल डाला। बच्चे को स्कूल मार्कशीट के लिए बुलाया गया था रिजल्ट के लिए। बच्चा चूंकि उस रिजल्ट से कि मेरा रिजल्ट कैसा आया होगा और क्या होगा, उसके आधार पर बच्चा स्कूल नहीं गया और घूमता हुआ स्टेशन पहुँच गया। ये हमारी सूचना जांच के बाद ये तथ्य पाए गए, बच्चे के द्वारा जो भी रूट बताए गए थे तो उन सभी रूटों को चेक किया और प्रत्येक घर में जो रूट था उसके सभी घर में संपर्क किया गया। सीसीटीवी कैमरे आपके यहाँ हैं, उसमें भी तलाश किया गया और तलाश करते 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 पूरी हमारी टीम वहाँ पहुँची रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पर भी जो सीसीटीवी फुटेज थे वो भी चेक किए, उसमें बच्चे सुरक्षित दिखा। बहरहाल
छात्र की मनगढ़ंत कहानी ने पुलिस के साथ साथ क्षेत्र के लोगों को और माता पिता को सोचने पर बाधित कर दिया है। वहीं पुलिस ने सभी स्कूलों को रिजल्ट घोषित करते समय माता पिता को स्कूल बुलाना सुनिश्चित किया जाने की हिदायत दी है। साथ ही नगर के प्रत्येक चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरे सुचारू रूप से चालू है या नहीं उनके दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए हैं। बहू से खाना मांगने पर बेटे ने पिता की पीट पीट कर हत्या कर दी। पिता की हत्या कर आरोपी बेटा मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बहू से ससुर को खाना मांगना बेटे को इतना नागवारा गुजरा कि बेटे ने पिता की पीट पीट कर हत्या कर दी। मामला बड़वानी जिले के कल्याणपुर का है। यहां एक बेटे ने खाना खाने को लेकर हुए विवाद में अपने पिता की जान ले ली। पुलिस के मुताबिक रात 12 बजे ससुर ने अपनी बहू से खाना मांगा तो बेटा गुस्से में आ गया और रात में खाना मांगने को लेकर विवाद करने लगा। दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि बेटे ने पास में ही रखा डंडा उठाकर पिता को पीटना शुरू कर दिया। बताया गया है कि पिता की हत्या कर बेटा मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। रुक करते हैं भोपाल की खबर का। 3 साल का मासूम बच्चा घर के बाहर खेलते खेलते अचानक गायब हो गया। बच्चों के अपहरण की बहुत सी घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में इस बच्चे की भी अपहरण की आशंका जताई जा रही है। पुलिस लाख सुरक्षा के दावे करे लेकिन इस घटना से एक बार फिर सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। आए दिन हो रहे बच्चे के अपहरण से प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था की पोल खुलती नजर आ रही है। कोलार के बैरागढ़ चीचली में रहने वाला एक 3 साल का मासूम वरुण घर के बाहर से खेलते खेलते गायब हो गया। परिवार ने पुलिस को सूचना देकर अपहरण की आशंका जताई है। पुलिस सूचना मिलते ही बच्चे की तलाश में जुट गई। पुलिस कंट्रोल रूम से पुलिस कर्मियों को नाके पर लगाया गया है। नाके से गुजरने वाले हर वाहन की तलाशी ली जा रही है। कयास लगाया जा रहा है कि बच्चे को अगवा कर एक कार केरवा चौकी के पास पुलिस चेकिंग पॉइंट तोड़कर भागे हैं। सीसीटीवी में उस कार की तस्वीर कैद हुई है जिसमें बच्चे के अपहरण की आशंका जताई जा रही है। बच्चे का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच पर करोड़ों का सट्टा खिलाने वाले सटोरियों को पुलिस ने धर दबोचा। यह कार्यवाही को पुलिस ने देर रात को अंजाम दिया। पुलिस ने 8 सटोरियों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से मोबाइल कंप्यूटर और करोड़ों के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। जबलपुर पुलिस ने रविवार को देर रात 2 अलग-अलग ठिकानों पर दबिश देकर वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच पर सट्टा खिलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस को सूचना मिली थी कि संगम कॉलोनी के नर्मदा होम्स में कुछ लोग वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच पर सट्टा लगा रहे हैं, जिस पर पुलिस ने देर रात दबिश देकर 3 सटोरियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से 5 मोबाइल के साथ करोड़ों के लेन देन के दस्तावेज जब्त हुए हैं। वहीं धनवंतरी नगर की साई कॉलोनी से 5 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से भी 28 मोबाइल और करोड़ों के लेन देन की जानकारी मिली है। पुलिस के मुताबिक इन आरोपियों के अलावा शहर के 40 लोगों को क्रिकेट का सट्टा खेलने के लिए चिन्हित किया गया है, जिसको लेकर पुलिस अन्य स्थानों पर भी दबिश देकर सट्टा कारोबारियों पर कार्रवाई कर रही है। 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन बलैया, सम्यक जैन और रॉबिन को, इन तीनों के पास से हमने 8 मोबाइल जब्त किए हैं, जिसमें 5 मोबाइल लाइन के हैं। लाइन इनकी जो है वो mumbaiexchange.com www.mumbaiexchange.com की है। 2,17,000 में ये आईडी सुब्रत यादव नाम के व्यक्ति से लिया गया है, जिसको हम बहुत जल्दी अरेस्ट करेंगे। इनसे अभी तक का 2.5-3 करोड़ का हिसाब किताब है। जब से वर्ल्ड कप स्टार्ट है तब से पैसे का लेन देन हुआ है। 25-30-40 लोगों को हमने चिन्हित किया है जो लगातार इनसे सट्टा खेल रहे थे। अब साई कॉलोनी में 5 लोगों को अरेस्ट किया है और यहाँ 28 मोबाइल मिले हैं और यहाँ भी करोड़ों के पैसे के लेन देन के संदर्भ में जानकारी मिली। अभी टीम कार्रवाई कर रही है और कार्रवाई करने के बाद जो राशि आएगी लेन देन की उसको बताया जाएगा। इसके अलावा भी 2-3 जगह और भी टीम लगी हुई है और भी कार्रवाई होने की संभावना है। गुरु पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण पड़ेगा। खग्रास चंद्र ग्रहण अषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को उत्तराषाढ़ नक्षत्र में लग रहा है। चंद्र ग्रहण होने के कारण शहर के सभी प्रमुख मंदिरों के पट शाम को सूतक लगने के कारण बंद हो जाएंगे। यह समय अशुभ माना जाता है। ग्रहण का सूतक काल 16 जुलाई शाम 4:25 से शुरू होकर सुबह 4:45 तक रहेगा। साल 2019 में 2 सूर्य ग्रहण देखे गए।
अब इस साल के दूसरे और आखिरी चंद्र ग्रहण को देखने का मौका है। इस साल का पहला चंद्र ग्रहण 21 जनवरी को पड़ा था। चंद्र ग्रहण 16 और 17 जुलाई की मध्य रात 1:32 से शुरू होकर सुबह 4:30 तक रहेगा। 16 जुलाई को चंद्र ग्रहण होने के कारण शहर के सभी प्रमुख मंदिरों के पट शाम को 4 बजे सूतक लगने के कारण बंद हो जाएंगे। मंदिरों के पट दूसरे दिन बुधवार सुबह खुलेंगे। ग्रहण के कारण गुरु पूर्णिमा को होने वाले पूजन भी शाम 4 बजे के पहले ही हो सकेंगे। इस बार यह 149 साल बाद एक विशेष संयोग बन रहा है। इस बार भी शनि केतु और चंद्र धनु राशि में बैठे होंगे, वहीं राहु सूर्य और शुक्र मिथुन राशि में बैठे होंगे। बताते चले कि खगोल विज्ञान के अनुसार चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य जब एक सीध में होते हैं तब ग्रहण पड़ता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है और चंद्रमा पर पृथ्वी छाया पड़ने लगती है तो इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। इसे भारत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और आसपास के एशियाई देशों में देखा जा सकेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। अब आपके साथ हैं जर्जर भोपाली, जो आपको सुनाएंगे अपने ही अंदाज में भैरण समाचार। नमस्कार, भैरण समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। और भैया अभी तो हिंदुस्तान की हर घर में बाढ़ आ गई बता रहे हूँ। और भैया मध्य प्रदेश का बजट आ गया बता रहे हूँ। और डायबिटीज के मरीज मेरे पास आए, शिकायत कर रहे थे, बोले मिठाइयों की ब्रांडिंग करने वाली सरकार। भाजपा के शासनकाल में भाजपा वालों ने पकौड़ा का वो किया था कि पकौड़े के ठेले लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। और ये भैया मिठाइयों की जस्ट अपोजिट होना चाहिए ना चीज़। तो इन्होंने सागर की बर्फी, मालवा का चूरमा बाटी, जलेबी, पेड़ा, इनका है ना वो ब्रांडिंग करेंगी सरकार। ये तो बता रही हूँ, बहुत मज़ा आएगा बता रही हूँ। ये मिठाइयाँ बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे पैकेट में मिलेंगी खाने को। हाँ, और ये खबर ये सुन लो, वो दाऊद की जो डी कंपनी है इसमें ये आतंकवाद का काम कर रही है, पूरा आतंकवादियों का कम्युनिकेशन बढ़ा रही है, उनका काम कर रही। तो इसका हमने शिकायत कर दी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। अब वो भुनभुनाए बैठे हैं और तालिबान कह रहे हैं यहाँ हमला करो, वहाँ हमला करो। अरे मैंने कहा, मैंने उनसे कहा भी ये ऐसा है कि ये अब है ना हिंदुस्तान बेता नहीं रहा, पहले जैसा कहीं भी हमला कर दो, अब करके देखो। देखो सीधा यहाँ थी वो जाएगी मिसाइल, भाग से है ना तुम्हारे बम बम है सब फोड़ देगी बता रही हूँ। हाँ, जरा संभल के रहा करो। और गोवा कर्नाटक में देख लो क्या हो, विधायक विधायक खेल रहे हैं भैया। कर्नाटक से 15 विधायक हैं ना वो वहाँ पे बम्बई में ऐश कर रहे हैं होटल में, वहाँ पे किसी को जाने भी नहीं दे रहे, बहुत प्राइवेसी रखी है, उनसे कोई मिलने नहीं दे रहा। बहुत ये उनका दिमाग ठीक होना चाहिए, नहीं वापस आ जाए बताओ। हाँ, और ये गोवा में भी यही हो गया भैया, 10 विधायक भाजपा में शामिल हो गए कांग्रेस के। इस समय मैं बता रही हूँ विधायकों को पकड़ के रखो। मैं कमलनाथ जी से कह रही हूँ, इनको है ना विधायकों को रस्सी वस्सी बांध के ले जाओ, जहाँ भी जाओ साथ में। हाँ, तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ पे, और मैं कह रहा हूँ अपने विधायकों को तो संभालो, प्रदर्शन तो ठीक है, अपने घर को संभालना चाहिए भाई, आदमी इधर उधर नहीं जाके हैं दूसरी पार्टियों में जा रही है। और ये खबर ये सुन लो, दिल्ली से फ्रांस जो फ्लाइट जा रही थी उसमें 26 यात्रियों को नीचे उतारना पड़ा, वो टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम थी, वजन वजन ज़्यादा हो रहा था जो भी हो रहा था। और मैं बता रही हूँ प्लेन वालों से ये कहना चाहूँगा मैं, हमारे मिनी बस वालों से सीखो कुछ, ये 10 सवारी इधर लटक जाती हैं, कहीं 10 सवारी उधर लटक जाती हैं, एक्स्ट्रा ऊपर बैठा के भी ले जाते हैं भैया, ये तो है। अब मेरा भी टाइम घर जाने को हो रहा है, मैं भी मिनी बस पकड़ूं। नमस्कार। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lncdu.ac.in.